तो इनको कुछ काम है, इटावा के लिए निकलना। ये देखिए गाड़ी, इसी गाड़ी चलने वाले। तो अभी हम लोग फाइनली ये बिदुना औरैया करके कोई एरिया है, यहाँ पर पहुंचे। तो आज है मकर संक्रांति, जो व्लॉग है ये मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज है 11 जनवरी, तो कल का दिन तो बहुत ही अच्छा गया। कल वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा, कल का व्लॉग बहुत ही अच्छा शूट हुआ है। तो कल वाले व्लॉग में मैंने आपको सुधांशु आश्रम का फुल व्यू दिखाया है कि सुधांशु आश्रम मंदिर कैसा है, कैसा बना है, वहाँ कौन कौन सी चीजें देखने वाली है, कैसे आप जा सकते हैं। तो मैंने पूरा आपका पूरी डिटेल दी कल के वाले व्लॉग में। साथ ही कल अंकित का बर्थडे भी था, तो कल का व्लॉग तो बहुत ही अच्छा शूट हुआ है। आई होप आपको कल का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज 11 जनवरी, अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो आज अंकित को काम से जाना है इटावा, तो आज अंकित को कुछ काम है इटावा में, तो उसी के साथ इटावा जा रहे हैं। गाड़ी से जाएंगे हम लोग बाइक से, तो दो लोग हैं। तो चलिए फिलहाल वो इंतजार कर रहा है, आपको वहाँ लेके चलते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीजें बताते हैं कैसे क्या होने वाली। तो ये देखिए हम अंकित के पास आ चुके हैं, कल के हमारे बर्थडे बॉय। कैसा गया कल का दिन? बढ़िया। गिफ्ट ये है हमारे पास। कैसा लगा गिफ्ट ये? कल देखो आप लोगों को बताया था जैसे कि हमने जैकेट ली, तो ये देखो आज यही इनको पहन के भी आए। कल पहली बार ऐसा बर्थडे मनाया क्यों? अरे एकदम मजा आ गया। मजा आई थी कि नहीं? चलिए तो अभी कहाँ चलना है? इटावा। तो इनको कुछ काम है, इटावा के लिए निकलना। ये देखिए गाड़ी, इसी गाड़ी चलने वाले। तो चलिए पहले चलते हैं इनके घर, सामान वान लेते उसके बाद निकलते हैं। फिलहाल अंकित के घर से आ चुके हैं, सामान ले लिया। ये देखिए पीछे ये बोरी रखी है, ये सामान है, इसी में। कहाँ चल रहा है इनके यहाँ? इटावा। दीदी के यहाँ इनके दीदी के यहाँ जा रहे हैं। तो ये सामान देना है, ये सामान दे देंगे, और एक लोग को उनके साथ में लेके आना है क्यों? दीदी को साथ में लेके आना। तो अभी ये देखो बैग कैसे टांग रखे है, क्योंकि अभी गाड़ी चला रहा है ना, तो हवा का ज्यादा लग रही है। बहुत ज्यादा भाई, ठंड है बहुत। आते समय भी रात हो जाएगी क्यों? रात नहीं, मैं 7 बजे तक आ जाएंगे, जानना शाम हो जाएगी। तो अभी यहाँ रुके क्योंकि भाई का इंतजार कर, उससे हम लोगों ने जैकेट वैकेट मंगाया है, क्योंकि आते समय शाम हो जाएगी, तो वहाँ से फिर ज्यादा ही कुछ ठंड बढ़ जाएगी शाम तक। अभी इसलिए यही रुके, अब यहाँ से केवल बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीधे आपको इटावा में मिलेंगे। तो अभी हम लोग फाइनली ये बिदुना औरैया करके कोई एरिया है, यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ से इटावा लगभग वही 50 किलोमीटर के आसपास है, तो जहाँ हम लोग को जाना है यहाँ से वही 20-25 किलोमीटर बचा है बस। तो इटावा मेन, हम लोग को इटावा नहीं जाना है यहाँ से, मतलब 20-25 किलोमीटर है बस। तो अभी अंकित रुका है, वो देखिए मिठाई लेने के लिए, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए मिठाई विठाई ले ले। तो ये बिदुना औरैया करके एरिया है, यहाँ पर रुके हैं। तो कानपुर से कम 100 किलोमीटर, 100 या 120 किलोमीटर तो हम लोग चले आए। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ थोड़ा रुके, अपना थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि घर से निकले हुए हम लोग को 2.5-3 घंटा हो चुका है। जहाँ पर हम लोग को जाना है वहाँ पर बस यहाँ से अब 2 किलोमीटर बचा है बस पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ का लोकेशन आप लोग देख रहे हैं कैसा है, थोड़ा गांव टाइप का ही है, जहाँ हम लोग आए गांव एरिया है। उसके बाद आपको आगे का वीडियो तो दिखा नहीं पाएंगे, जा रहे हैं इसके बाद फैमिली में ज़्यादा वीडियो शूट कर नहीं पाएंगे। तो इसके बाद आपको हम सीधे वापस लौट के कानपुर में वहीं मिलेंगे आपको। चलो बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वाला जो व्लॉग है ये मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल का तो आप लोग को पता ही, अंकित के साथ गए थे इटावा, किसी को लेना था, कोई दीदी भी थी और उसको खिचड़ी का न्योता भी देना था, तो उसी के साथ इटावा गए थे। तो जाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आने में 3 लोग थे ना, उसकी कोई दीदी थी, तो 3 लोग थे, तो आने में तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। इसके बाद उसके क्योंकि ज़्यादा थके हुए थे तो घर आए, उसके बाद हम लोगों ने फिर रेस्ट किया, तो उसके बाद तो वीडियो शूट ही नहीं कर पाए। तो आज मकर संक्रांति, ऐसा एक मंदिर के दर्शन कराते, तो आज अभी हम लोग आए सिद्धनाथ मंदिर। तो ये जो आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं सिद्धनाथ मंदिर का नज़ारा है, तो अभी आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो हम आए, मम्मी आई और बहन आए थे, देखो बहन वो खड़ी और मम्मी वहाँ देखो पानी ले रही। तो हम 3 लोग हैं और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है और इतना प्यारा मौसम है ये देखिए, और इतने प्यारे मौसम में ये देखिए गंगा मैया का नज़ारा कितना प्यारा है। आप लोग को बहुत अच्छे से मैं यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, आप लोग इन्जॉय करिए यहाँ के वीडियो को। आज खिचड़ी है, तो आप लोग खिचड़ी तो खा ही रहोगे, सबको पता है।
हाँ कल भी थी और आज भी है। वैसे रास्ते में बहुत जगह खिचड़ी भी बट रही है, तो जिन्होंने जिनके घर में अगर ना बने तो रास्ते में भी जाके खा सकते हैं, बहुत जगह खिचड़ियाँ बट रही है। चलिए अब आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं कैसा। ये देखो हमारी बहन जी खड़ी है। आज का मौसम बहुत ही प्यारा है कसम से, ये देखिए बिल्कुल धूप नहीं है और इतना ठंडा मौसम बना हुआ है, क्या बताएं। और यहाँ पर देखिए वो देखो सामने से पुल जा रहा है, तो इतना कोहरा है कि वहाँ कुछ दिखी नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। तो इस टाइम तो भीड़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे कोई त्यौहार होता या कुछ होता तो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी होती है कि यहाँ पर चलने की जगह भी नहीं मिलती है। तो इस समय तो एकदम सन्नाटा है, देखिए आप लोग पूरा वहाँ से सब खाली है, यहाँ तक भी कोई नहीं है। बस जिनको जल लेना है, गंगा जल लेना, वही लोग आपको दिखेंगे, बाकी कोई नहीं दिखेगा। तो हम लोग भी यहाँ दर्शन करने आए हैं, तो मम्मी ने कहा चलो दर्शन कराते हैं। तो आज है 15 जनवरी, तो कुछ लोग 15 तारीख को भी मकर संक्रांति मना रहे हो, कुछ लोग 14 तारीख को, क्योंकि दो दिन पड़ रही, 14 और 15 दोनों दिन पड़ रही है। तो कल भी था और आज भी है, तो दोनों दिन खिचड़ी है। तो अभी हम लोग फिलहाल सुबह सुबह निकले हैं, अभी सुबह का बज रहा है 10:30। आपको यहाँ का मैं और भी प्यारा प्यार भी दिखाता हूँ, आप लोग उसको एंजॉय करिए। बढ़िया आपके लिए अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट शूट किए, आप लोग उसको एंजॉय करिए। और आपको यहाँ पर मंदिर के दर्शन भी कराते हैं, जो सिद्धनाथ मंदिर है उसके दर्शन भी कराते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ ऐसे वीडियो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। और आपको जैसे कि देखिए पीछे आप लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ पर भीड़ होती ना तो यहाँ पर आपको जगह ना मिलती खड़े होने की। तो अभी तो फिलहाल एकदम सन्नाटा है, कोई भीड़ नहीं है। आपके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं, आप लोग उसको एंजॉय करिए। और आपको फिर मैं यहाँ पर सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन कराता हूँ। लियो ये सब उठा लो, पकड़ो इसको, पकड़ो ये टोपा, किसका तुम्हारा है क्या है? हाँ इसको ले लो, लाइए अच्छा है। क्यों धूप बिल्कुल नहीं है, देख रहे हैं आप लोग, धूप तो बिल्कुल नहीं है, एकदम ठंडा मौसम बना हुआ है। और ये मम्मी यहाँ पर गंगा जल लेने आई, तो कितना प्यारा व्यू, ये देखिए पीछे, और ये गंगा मैया देखिए, कितना अच्छा लगता, कितना सुंदर है देखने में ये पूरा वहाँ तक है। किस पे, नाव पे, नाव पे चढ़ना है क्या? ये देखो चलाने वाले कहाँ है नाव पे अभी। भैया मंदिर के दर्शन तो हो गए, क्यों मंदिर के दर्शन तो कर लिए, अगर आप रास्ते में आएंगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए मिल जाएंगे दान करने के लिए। तो यहाँ कुछ भी दान करने आओ तो एक लोग को तो सब लोग चले आते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, फिलहाल ये हम लोग की गाड़ी है, तो गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पार्क कर दी थी, उसके बाद यहाँ थोड़ी दूर वहाँ तक पैदल चलना पड़ा था, ये देखिए वहाँ तक पैदल चलना पड़ा था। तो मम्मी अभी गई है चेंज लेने, क्योंकि अभी ये लोग खड़ी हैं देख रहे हो, तो दान करना पड़ता है ना 1-1 रुपये, तो मम्मी वही चेंज करवाने गई हैं, तो अभी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, तो आए फिर उसके बाद चलते हैं फिर घर के लिए। तो फाइनली मम्मी आ गई, ये देखिए चेंज करा के, अब इधर देखिए देना पड़ेगा ये। अब वो जा रही हैं अपना दान वान करके आती हैं, तब तक और इंतजार करना पड़ेगा। तो मम्मी तो आ चुकी, ये देखिए चलिए अब चलते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल ये रामा देवी में हैं, तो अभी मम्मी गई रामा देवी सब्जी लाने, तो ये देखिए वहाँ मम्मी गई अभी सब्जी लाने, थोड़ा घर के लिए सब्जी ले लें। तो अभी समय फिलहाल धूप भी निकल चुकी है, तो आप लोग देख रहे हैं धूप खिल चुकी है। तो सुबह जैसा मौसम था वैसा मौसम तो अब नहीं है, क्योंकि अब वापस लौटते समय धूप, क्योंकि जब जा रहे थे तो उस समय तो धूप बिल्कुल नहीं थी, मस्त अच्छा मौसम बना हुआ था, लेकिन अब तो हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं धूप आ चुकी है, तो चलिए फिलहाल मम्मी गई सब्जी लाने, वो सब्जी लेके आती है फिर यहाँ से निकलते हैं घर के लिए।